गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी अनिशिका की लाइफ में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो पूजा करते हुए आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। थोड़ा बहुत पूजा करने के टाइम में भी वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इशिका मुझे बोल रही थी, मम्मा धुआं 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 धुआं। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग। सच में मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है पूजा करने के बाद, सारे मेरे टेंशन दूर हो जाते हैं और चारों तरफ राम ही राम, जय श्री राम। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम सब उस खास दिन के लिए, है ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग इतना सारा फूल मुझे पूजा के मंदिर में देने को जब मिल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फूल जो है ना, मेरे मम्मी के गार्डन का फूल है। मैं तोड़ने नहीं चाहती थी, बट मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, भगवान जी को चढ़ा देना, ले जा थोड़ा बहुत। तो मैं ले आई। कितना अच्छा लग रहा है ना। और आज ब्रेकफास्ट में देखिए क्या बना था, यम्मी इडली और साथ में बादाम और टमाटर की चटनी। इतना ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बना था ना, मैं आप लोगों के से क्या ही बताऊं। कभी शेयर ज़रूर करूंगी आप लोगों के साथ ये रेसिपी। सुबह बहुत दौड़ भाग होता है तो नहीं कर पाती हूँ वीडियो आज की। कल मैंने इसके लिए आइसक्रीम डाला था। आई नो ठंडी का मौसम है, बट पता नहीं बहुत जिद कर रही थी तो मैंने फ्रूटी का जो पैकेट होता है वैसा मैंने ऐसे डाल दिया था। अभी मैं देखती हूँ क्या हुआ है, पता नहीं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वीडियो में मैंने देखा था, मैं आइसक्रीम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है। अभी मैं खुद से ट्राई की हूँ, अभी देखती हूँ कैसा बना है। आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। पहले ये हटा देती हूँ, देन उसके बाद देखिए इशिका के साथ मैं भी बच्ची बन गई हूँ। बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी आज कुछ दिनों से कि मम्मी मुझे घर में आइसक्रीम बना दो। आजकल वीडियो में जो दिखता है ना, बच्चे वही रिपीट करना चाहते। तो ठंडी के मौसम है, आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे को भला इस ठंडे में कौन आइसक्रीम बना के देता है, बट क्या ही करूँ, इतना ज़्यादा जिद करती है ना, उसके आगे मैं हार मान जाती हूँ। बट सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है, बच्चों को आप कभी भी आइसक्रीम खिलाओ, आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। इसके लिए आप लोगों को वीडियो फुल देखना है बिना स्किप किए, मैं आगे जाके बताऊंगी। तो मेरा लंच मेनू भी बनके तैयार है। क्या क्या लंच मेनू में है चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे है चितल माछ सरसों के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा मटर भी डाला है मैंने, और चितल माछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर है दाल, ये है हम दोनों का दाल अरबी के साथ। इशिका के लिए अलग से पालक दाल बनाई हूँ। और यहाँ पर है गर्मा गर्म राइस। तो मुझे बहुत सारे खाने बनाने पड़ते हैं, हमारे लिए अलग, इशिका के लिए अलग। और यहाँ पे देखिए एक फ्राई अभी भी गैस में ही है, ये है सेम और आलू के फ्राई। फ्रिज में बहुत सारी सब्जियाँ रहते हैं, एक साथ ख़राब होते हैं, तो कभी कभी मुझे बहुत सारे खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारे आइटम बनाने पड़ता है ताकि वो सब फेंकना ना पड़े, पैसे से ख़रीद के लाते हैं आफ्टरऑल, है ना। तो अब बारी है पत्थर तोड़ने का। सच में मैं क्या ही बताऊं, इशिका को खाना खिलाना एक पत्थर तोड़ने के बराबर ही है, इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे इशिका का प्लेट में थोड़ा सा राइस और ये पालक डाल के साथ सब्ज़ी थोड़ा सा डाला था, डाल रही हूँ। राइस आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा है, इससे वो आधा खाएगी आधा छोड़ देगी, उसका आदत ही है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ। और ये है फ़िश फ्राई, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है फ़िश, मुझे एक एक करके चुन चुन के उसको देना पड़ेगा। तो आप लोग अगर बच्चों को आइसक्रीम खिलाओगे तो याद रखना, आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद ही आप लोग को तुरंत नॉर्मल पानी पिला देना होगा। ये मुझे किसी एक ने सीक्रेट बताया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आपके बच्चे को कभी भी सर्दी या ज़ुकाम नहीं लगेगा आइसक्रीम से, तो याद रखिएगा। देन उसके बाद देखिए खाने के बाद इशिका का खेलना फिर से स्टार्ट हो गया है। मैंने घर साफ़ कर लिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। अब थोड़ा सा इशिका को बेड में लेके जाऊंगी, रेस्ट कराऊंगी, खुद भी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो देखिए मेरा किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।